तो बच्चों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। एक बच्चे ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है। तो पहले के वीडियोस में थोड़ा बहुत कवर कर रखा है, बट आज मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ करना कैसे। अब ये चीज़ है क्या वो सुन लीजिए। नोट मेकिंग बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि आपको नोट मेकिंग जो है वो करना कैसे है। प्रैक्टिकली जो है एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि देखिए, मतलब एग्जाम्पल के साथ कि कैसे बच्चे करते हैं नोट मेकिंग। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ये मैं आपको पहले आपको दिखाते हैं नोट मेकिंग कैसा आता है। देखिए, ये मैंने आपका सैम्पल पेपर खोल लिया, 2019-20 का इसी सेशन का है ये सैम्पल पेपर। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है 8 नंबर का है ये, ठीक है। तो इंग्लिश के पेपर में क्लास 12th का वो आता है आपका नोट मेकिंग, यानी कि ये जो पूरा का पूरा पेपर दे रखा है, पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आपको नोट मेकिंग बनाना है, ठीक है। यानी कि अपने नोट्स लिखने हैं आपको। ये देख लीजिए पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है आपका दे रखा है, 8 नंबर का है ये, और इसका आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाना है इस चीज़ का। तो आप कैसे बनाएंगे इस चीज़ का नोट्स, अगर आपको बनाना है तो आप कैसे इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट मेकिंग अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये 4 भागों में बांट लीजिएगा। ये जो आपका पैरा दिया हुआ है इसको पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, इस तरह से करके, या फिर इतने को भी एक भाग में ले सकते हैं, ऐसे करके 4 भागों में इसको बांट दीजिएगा, ठीक है। और पहली लाइन में से, पहले पैरा में से पहली लाइन ढूंढिएगा। आपको एक सूटेबल टाइटल देखना है कि जो आप नोट्स बना रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं, उसका एक सूटेबल टाइटल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI होता है, इज मेकिंग अ डिफरेंस टू हाउ लीगल वर्क इज डन, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से आपको एक सूटेबल टाइटल ढूंढना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ढूंढ लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरह से, तो फिर ये सब करना है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर की में किस तरह से होता है आपका, ठीक है। वही टाइटल ढूंढना है, 1 2 3 4 करके ये लिखना है, उसके बाद फिर आपको करना है, ठीक है। एक बारी मैं आपको प्रैक्टिकली मतलब एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सजेस्टेड पॉइंट्स यहाँ पर आंसर की में देखेंगे, यहाँ पर दे रखा है। तो टाइटल क्या लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ चीट, ठीक है, ये टाइटल लिया है इसका। फिर नीचे आया है नोट्स लिख दिया है, ठीक है, नोट्स लिख दिया है। फिर वन में क्या किया बच्चे ने, नॉट अ चीट, ठीक है। तो 1.1 1.2 1.3 इस तरह से करके, फिर दूसरा है AI विल हेल्प लीगल फाइल, ठीक है, फील्ड। तो इस तरह से 2.1 2.2 2.3 2.4 हो गया। फिर तीसरा आ गया है AI कैन नॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क लाइक, ठीक है, जो AI है वो परफॉर्म नहीं कर सकता हाई लेवल टास्क, इस तरह से 3.1 3.2 3.3 3.4, ठीक है। और फिर चौथा आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ AI, क्या फंक्शन वगैरह है, तो 4.1 4.2 4.3 4.4, ये 4 हो गए आपके। अब ये 4 आप बोलेंगे कि सर ये 4 लिखना कैसे है। अब ये देखिए, एक सूटेबल टाइटल तो आपने लिख लिया, उसी के अंदर से एक सब टाइटल होता है, ठीक है। तो सब टाइटल इस चीज को बोलते हैं, जो चीज 1 में ये पूरा लिखा गया ना, इसको सब टाइटल लिखते हैं बोलते हैं, यानी कि कह सकते हैं सब हेडिंग टाइप का। और इसके बाद छोटे छोटे कुछ कुछ वर्ड्स उसमें से ले सकते हैं। आपके नोट्स होते हैं ये कोई टीचर नहीं काट सकता, आपके जो नोट्स होते हैं डिफरेंट हो सकता है, आपका अगला बंदा जो बैठा है आपके साथ वाला, उससे आपका नोट्स डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपका जो जरूरी है, मतलब आपने जो अपने नोट्स में जरूरी समझ के लिखा है, जरूरी नहीं कि वो उसके लिए भी जरूरी हो, तो आप उससे डिफरेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से ये आप अपनी लाइनों में, जो 4 भागों में आप अपना जो पैरा है दिया हुआ है नोट मेकिंग के लिए, उसको बांटोगे, उस लाइनों में से ये 4 जो पॉइंट है वो लिख दोगे 4.4 तक, ठीक है। ये 4 लिख दिया आपने, अब क्या करना है, की टू एब्रीवेशन, एब्रीवेशन लिखना है, इसके एक मार्क्स होता है, ठीक है। एब्रीवेशन कैसे लिखा गया है वो देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, AI, यही होता है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, AI, तो यही एब्रीवेशन होता है, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर आपको 5-6 एब्रीवेशन लिख देना है डब्बा बना करके, तो ये आपका एब्रीवेशन हो जाएगा, की टू एब्रीवेशन, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद नीचे आना है समरी लिख देना है, समरी आपको ज्यादा नहीं लिखना होता है, ठीक है। और समरी में ग्रामर का यूज जो करना होता है कम से कम करना होता है, जो ग्रामर है आपका उसका यूज कम से कम करें समरी लिखने में, ये पूरा नोट मेकिंग लिखने में आपको ग्रामर का यूज कम से कम करना है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर समरी दिखाया हुआ है, तो ये है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि कैसे
कैसे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ये एक टॉपर की आंसर शीट है। और यहाँ पर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देख लीजिए टाइटल क्या लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक टाइटल लिख दिया है, उसके बाद लिखा है नोट्स। ये मैं आपको एकदम एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ कि बच्चे अटेम्प्ट कैसे करते हैं अपने पेपर में, ठीक है। फिर पहला, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन यही होगा लिसनिंग एंड हेडिंग, इसमें जो ये लाइन होगी आपकी हेडिंग्स होगी सब हेडिंग, इसमें आप शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेशन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से फिर पहला दूसरा तीसरा, तीन ही लिखे बच्चे ने, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बनता है उतना किया है। फिर दूसरा हो गया, दूसरा ये हेडिंग बना दिया उसका, पहला दूसरा तीसरा, फिर तीसरा हो गया पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर इस तरह से। फिर की यानी कि वही एब्रिवेशन, एब्रिवेशन देख सकते हैं डिफरेंस को डी आई एफ एफ लिख रखा है, ठीक है। बिटवीन को इसने BTW लिख रखा है, इस तरह से इसने 6-7 जो है जजमेंट वगैरह का एब्रिवेशन बना रखा है। तो इस तरह से इसने 6-7-8 जो भी एब्रिवेशन बनाने थे बच्चे ने बना दिया, ठीक है। और फिर आकर के यहाँ पर नीचे समरी लिख दिया है। ग्रामर का देख सकते हैं यूज कम से कम किया गया है, इज एम आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सब ग्रामर का यूज कम से कम किया जाता है समरी लिखने में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ने यहाँ पर पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया, पूरा का पूरा बता दिया कि किस तरह से आपको एब्रिवेशन लिखना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोले तो थे पहले, ठीक है, लेकिन एक जो बच्चा था वो मुझे कल बहुत बार मैसेज करी थी कि सर कैसे होता है बता दीजिए नोट मेकिंग। और हाँ, नोट मेकिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पेपर नोट मेकिंग अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपका टाइम बचेगा। पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, इसलिए सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा नोट मेकिंग। हाँ, अगर आपको पूरी तरह से नहीं आता है नोट मेकिंग, ठीक है, आप उस टाइम तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से आता है तब पहले कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं आता है तब लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, और थोड़ा बहुत भी आता है तब भी लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैं भी सजेस्ट करता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद भी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि नोट मेकिंग को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको मैं बताता चलूंगा आगे चल के, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने होते हैं, कोई नहीं आपका नोट्स काटेगा, ठीक है। अगर 8 नंबर का है ना तो आप अच्छे से लिखते हैं तो 7 तो मिलेगा ही, अगर अच्छे से और अच्छे से लिखते हैं तो 8 भी मिल जाएगा आपको पूरे पूरे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गलती भी करते हैं आप, ठीक है, कई बच्चे एब्रिवेशन में गलती कर देते हैं कई थोड़ी बहुत, तो आपको 5 तो पक्का मिल ही जाएगा लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया नोट मेकिंग करते कैसे है, आंसर की कैसा CBSE प्रोवाइड करवाता है करने के लिए, और कैसे स्ट्रैटेजी होता है नोट मेकिंग करने का। तो ये था आपका नोट मेकिंग करने का स्ट्रैटेजी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कुछ बातें और बता दूँ कि जिससे आने वाली टाइम में हम बहुत कुछ करवाने वाले हैं इंग्लिश का, जैसे नोट मेकिंग बता दिया, ऐसे कृष्णा सर लेटर वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। तो हम सारे मिल करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, कल मैं लाइव आया था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट आप अपना बनाए रखिए, हम आपके लिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूनिक यूनिक चीज़ें लाते रहेंगे। और बस यही सब बोलना था, बाकी आपका सपोर्ट तो इनक्रेडिबल है ही, आप सपोर्ट ना अच्छा करते हो। कल मैं लाइव आया था तो देख रहा था, बहुत सारे बच्चे थे, 10-12 ही बच्चे देख रहे थे हमें, लेकिन उनका सपोर्ट मायने रखता है, सपोर्ट हमें बनाता है। तो आपका सपोर्ट इतना अच्छा था ना कि क्या बताऊं। और आशा करता हूं कि जो उस बच्चे ने कल रात को मेरे से पूछा नोट मेकिंग के बारे में, कई चीज़ें मैंने बताया उस बच्चे को, तो उस बच्चे को तो समझ आ गया होगा, ठीक है। और भी जितने बच्चे इनको नहीं पता था नोट मेकिंग कैसे करते हैं, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग एक्चुअली में करते कैसे हैं, ठीक है, और स्ट्रैटेजी क्या होता है कि कब हमें पेपर में किस जगह पे किस टाइम पे नोट मेकिंग अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम बचे और नोट मेकिंग में हमें नंबर पूरे मिल जाए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बता दी आपको, आई होप कि आपने उन्हें समझाया हुआ पूरा तरह से समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता दिया। तो बस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में,
वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए बच्चे पुराने बच्चे जो सब्सक्राइब कर रखे हैं बेल आइकन देख लीजिएगा, अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो बस मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।